ओम नमो भयवदो वड्डमान सरिसाम चक्काम जलतम गच्छयासं पायासं जीवा विवादेवा थम्मेनवारनें गिनवारायनवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो भूतो रखरक्तस्वा ओम नमो भयवदो वड्डमान सरिसाम चक्काम जलतम गच्छयासं पायासं जीवा विवादेवा थम्मेनवारनें गिनवारायनवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो भूतो रखरक्तस्वा ओम नमो वैवदो वड्डमान सरिसहम चक्कम जलतम गच्छि आयासम पायासम जैवा विवादेवा थम्मेनवारनेंगिनवारायनवा मोहेनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो भूतो रक्करक स्वाहा। आइए अब जो है मनुष्य के जीवन में अनेकों अनेक जो है प्रगति करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। और कल जो है बहुत महत्वपूर्ण के दिन है, कुल कुछ साधन की, कुछ साध्यता की और कुछ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय आप सभी को बताऊंगा। आप सभी नोट करें, जीवन संघर्षमय रहता है और ये ध्यान रखिए, यह जीवन आप ये मत समझिए कि आराम से आपको मिलेगा, यहां तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष नाम संसार और यहां कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, भोग भूमि नहीं है, आंखें बंद करती आपके सामने खड़े हो जाए पदार्थ। और मेहनत को सफलता पाने के लिए कुछ अनेकों प्रकार के आप सबके जीवन में प्रयत्नशील गतिशील और परमात्मा पर विश्वास करना पड़ेगा। और आज हमें बड़ा आनंद का दिन लगता है, हमारे जैन धर्म के लिए एक शाश्वत जो है यादगार का दिन है। कल जो है तेईस तारीख था, 23 मई और इसी पर 23 का ईस्वी था और 23वें तीर्थंकर थे। और ये सारे आंकड़ा मिलाए जाएं तो जो है पंच परमिति का महाशक्ति का कारक बनता है, पंच महाभूत की ताकत बनता है। और आप सभी से सबने कल देखा, सुबह हम लोग ने प्रार्थना भी की थी, पूरे भारत भर में सभी प्रार्थनाएं हुई, अपने अपने धर्मों ने अपने अपने हिसाब से प्रार्थना की। और कल जो है चंद्रयान अपनी सफलता के साथ लक्ष्य को साध लिया और शांति निर्विघ्नता से सहजता से सरलता से आपने जगह पर लैंडिंग कर लिया, हो गया। और इसमें दो तीन चीजें हैं, हमारे प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। पिछले 2019 के अंदर चंद्रयान दो का असफलता हुआ था और दो का असफलता होने के बाद भी जो वहां के चेयरमैन थे, वैज्ञानिक संस्था के जो कर्णधार थे, इसरो के जो मेन अधिष्ठाता थे, वो बिलक बिलक कर रोने लगे। क्योंकि आदमी कोई मेहनत करता है, लगन से कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करता है, जब असफलता प्राप्त होती है तो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बिलक बिलक करके रोए। पर मैं अपने प्रधानमंत्री को बहुत बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने एक क्षण देरी ना करते हुए और उसको गले लगाया
और गले लगा करके उसे हिम्मत और धाड़स बंधाया और कहा कि और एक प्रयत्न तुरंत शुरू करो, आरंभ करो। और उन वैज्ञानिकों ने बड़े ही जो है लगनता से केवल केवल 4 साल के अंदर 2020, 21, 22 और 23, 19, तो 4 साल के अंदर जो 40 नहीं हजारों साल तक जो कार्य नहीं हुआ वह पहली बार भारत देश ने करके दिखाया। हमारे साथ एक देश आजाद हुआ था, हमारे साथ एक देश जो है बाहर हुआ था, हमसे अलग टुकड़ा हुआ था, अपना ही कलेजा एक बाहर निकला था जिसका नाम पाकिस्तान रखा था। आज उस देश की देखो परिस्थिति और आज हमारी देश की परिस्थिति देखो। एक मैं किसी का YouTube देख रहा था, बड़ा एक पाकिस्तानी बच्चे से पूछा, तुम्हारा कब चंद्रयान पहुंचेगा? तब उसने कहा मैं हमें जाने की वहां जरूरत ही क्या है, बोले हम चंद्रयान में तो खड़े हैं, बोले उसने टोंटबाजी में कहा था। बोले वहां करंट है? बोले नहीं। तो पाकिस्तान में करंट है? बोले नहीं। वहां खाने के लिए कुछ मिलता है? बोले नहीं। पर यहां मिलता है? बोले नहीं। बोले वहां दूर दूर तक पानी दिखता है क्या? बोले नहीं। तो यहां भी कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, या खाने की व्यवस्था नहीं है, वहां भी खाने की व्यवस्था नहीं, तो हमारी भूखमरी यही है, तो वहां जाके क्या करेंगे? बोल तो कहने का तात्पर्य देश का नेतृत्व अच्छा हो। भारत, आप सभी की भारतवासियों ने बड़ी मेहनत के साथ आज कोरोना जैसे महामारी के संघर्ष के बाद, महासंग्राम के बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति पंचम स्थान पर पहुंची, ये बहुत ही जो है एक गौरव का विषय है। इसलिए कहा है रामायण के अंदर, जननी जन्म भूमि स्वर्गा देश गेश, यह जन्मभूमि हमारी भारत एक स्वर्ग से भी ज्यादा जो है पूजनीय और वंदनीय और आदरणीय है। इस भारत भूमि के अंदर हम लोग ने जन्म लिया, यह हमें गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। आज कई लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा, कई ऐसे भी महान भाव है कि जो है इस भारत की अनेक अनेक प्रकार की बुराइयां करते हैं, पर ध्यान रखना ये भारत भूमि इतनी पवित्र है, यह अनेकों संतों ऋषियों मुनियों का जन्म भूमि रही है। यह भारत भूमि तीर्थंकरों का जन्म और निर्माण की भूमि रही है। यहाँ अनेकों 24 अवतारों का धरा रही है और यह भूमि अनेकों बुद्ध के 24 अवतार का जन्म धरा रही है। तो अनेक अनेक संत महात्मा भगवंतों का जननी ये भारत भूमि निंदनीय नहीं, एक गौरव का विषय है। इस भारत का जो गौरव है वह दिन दुगना रात दुगना प्रगतिशील है और होता रहेगा, क्योंकि यहाँ तपस्या और त्याग का बलिदान का यह भूमि है। यहाँ जो साधना करता है उसके जीवन में अनेक असंभव कार्य भी सिद्ध होते हैं। बंधु, आप सभी जीव लोग इस भारत के भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याण पर चंद्रयान उस धरा पर स्थापित हो गया, इसका हमें अजरामर अनेकों सदियों तक याद रहेगा कि भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याण कितना पवित्र है, कितना महायोग बना और जो देश के लिए एक कामयाबी का एक यशस्वीता का योगदान और मुहूर्त बना। कुछ मुहूर्त और योग
मनुष्य के जीवन में सफलता के कारक बनते हैं, ध्यान रखना। कुछ समय ऐसे जीवन में आते हैं जो मनुष्य के जीवन में सफल करते हैं, कुछ योग ऐसे आते हैं जो जीवन को सफल बना देते हैं। तो आइए भगवानों पर, परमात्मा पर विश्वास रख करके सम्यक्त को यशस्वी बनाना आप सबका कर्तव्य है। मैं ज्यादा इस पर न बोलते हुए, समय कम है, अन्य विषयों पर बोलना चाहूंगा कि आप, लास्ट एक ही पॉइंट बताऊंगा कि जब कुछ जिन शासन के अंदर कुछ अच्छे योग आते हैं तो अच्छे काम आते हैं। तो जब जब एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार जब भी भगवान के जन्म कल्याणक हो, निर्वाण कल्याणक हो, वह कितना ही अशुभ कार्य के अशुभ ग्रह हो तो वह सारे शुभ में बदल जाते हैं। पानी कहीं का हो, चाहे नल का हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे वह कुएं का हो, अगर दूध के अंदर मिल जाता है तो सफेद और दूध के रूप में मूल्यवान बिकने लग जाता है। तो वैसे ही तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक, पांच कल्याणक में एक कल्याणक भी रहा तो वह कार्य करने में आप हिचके चाहे नहीं, और अपने कार्य को करें, निश्चित यशस्वी बन जाएंगे। एक बार। दूसरी बात और एक महत्व की बात यह है कि कल जो है श्रावण का शुक्रवार है, ये विशेष योग आ रहा है कल, और कल के दिन आप सभी एक काम करें, सुबह जो है विशेष आराधना होगा। और ध्यान रखिए, नवग्रह के तीर्थ में अनेकों लोगों के अनेकानेक कार्य हुए हैं। एक अभी थोड़ा सा दिमाग में याद आया, अभी जस्ट राजस्थान कोटा से एक फैमिली जुड़ी है, अभी पारुल एक 8-10 साल से जुड़े है, और उनकी कोरोना के टाइम पर उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और बड़े विकट परिस्थिति में पहुंच गए थे, और तुरंत जो है नवग्रह तीर्थ से उन्हें शांति धारा उनके नाम पर बोला गया, और वह तुरंत जो है आरोग्यता को प्राप्त हुई। उनके घर में संतान नहीं थे, संतान की प्राप्ति हुई, और इस शांति धारा का प्रभाव इतना है बंधु, एक नहीं दो नहीं अनेकानेक लोगों के कार्य सिद्ध हुए। मैं इतना लिस्ट बताऊं तो आप कम से कम हजारों के नाम आ जाएंगे। भगवान की शांति धारा जो है ये अद्भुत अलौकिक शांति धारा है। आपको कोई कभी संकट आए आपके जीवन में तो और कोई जाप करो या ना करो, साधना करो या ना करो, पर जरूर जो है शांति धारा श्रवण कर लेना। अब ऐसे भी जो आपके मोबाइलों में गाने या धुन और धारावाहिक बजती रहती है, पर थोड़ा सा एक आधा घंटा समय निकाल दीजिए सुबह सुबह का, और निःशुल्क शांति धारा होती है, आप सभी के नाम पर निःशुल्क शांति धारा होती है, और इस शांति धारा में आप भाग लीजिए। निश्चित रूप से ना आपका कार्य घंटों के काम मिनटों में होने लग जाएंगे, सदियों के काम दिनों में होने लग जाएंगे, इसमें विश्वास नहीं, आत्मविश्वास से। कल शुक्रवार है श्रावण मास का, कल विशेष साधना होगी, देवी के विशेष आह्वान होगा, और कल कुंकुम अर्चना और हल्दी अर्चना और सप्त किलो कुंकुम, सप्त किलो जो है 7 किलो का हल्दी का अर्चना होगा, और वह अर्चना आपके सौभाग्य कारक बनेगा, महिलाओं के भाग्य कारक बनेगा, धन धान्य वृद्धि कारक बनेगा, यशस्विता का जीवन के अंदर सफलता का एक गूंज आपके जीवन में गूंजेगा। कल का विशेष साधना आप सभी के लिए बहुत पहली बार आप सभी को यह प्रयोग कर रहा हूं, और कई बार आपको उन्हीं समय में आपको लाभ मिलेगा, तो कल तुरंत आपको लाभ मिल जाएगा।
आप भक्ति से भावना से कल का जो सुबह का साधना है, सुबह का कर रहा हूं, शाम का नहीं, सुबह कर रहा हूं, शाम को अलग, सुबह का साधना विशेष साधना रहेगा और दोपहर को और शाम को त्रिसंध्या समय साधना रहेगा और आप सभी बढ़ चढ़ करके उसके अंदर भाग लें। और जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को अनेक अनेक प्रकार के जो कष्ट है उसको सहार करने की साधना है, धन धान्य आरोग्य प्रदान करने की साधना है, यह साधना आपके जीवन को सफल बनाने के लिए कल की साधना है। पहली बार साधना करवा रहा हूं और जब जब मैंने साधना करवाया है उसकी सफलता की कुंजी आपको प्राप्त हुई है। और ये भी जो है आप बढ़ चढ़ करके भाग ले और कल ऐसे विशिष्ट मंत्रों के साथ अनुष्ठान होगा और दिव्य प्रभु के शांति धाम